कैसा रिस्पांस था आज का? सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे फिल्म प्यार तोड़ना है तक प्रीमियर में आप सभी मीडिया बंधु लोग आए, इसलिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने फिल्म देखी तो आप लोग इसके इसका जो रिव्यू होगा आप लोग कल बताएंगे। लेकिन आज मुंबई में लॉकडाउन के बाद पहली फिल्म हमारी नौरंग में जो हमारी फिल्म से उठकर हुई है नौरंग सिनेमा, तो मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि लॉकडाउन के बाद पहली फिल्म हमारे प्रमोद शास्त्री सर ने जिस निर्देशन किया था और अमित सर ने यूज किया था आज नौरंग सिनेमा में लगी और बहुत मजा आया। फर्स्ट टाइम प्रीमियर तो इसके पहले भी छलिया का हुआ था लेकिन ये फिल्म की USP है सारे एक्टर्स
इसको उनके नाम से बनाया। आपने पिक्चर देखी, पिक्चर जैसा आपने बनाया वैसी ही बनी है? हाँ सर, वैसे ही बनी है जैसा मैंने बनाया और लोगों को वैसे ही अच्छी लगी। वर्तमान मौजूदा दौर भोजपुरी स्थिति की जो चल रही है उसमें आपने ये रिस्क कैसे लिया? रिस्क सर, अच्छे कहानी पर रिस्क तो लेना ही पड़ता है, अगर हम ऐसा रिस्क नहीं लेंगे तो कौन लेगा रिस्क? तो इसलिए रिस्क लिया हूँ और मैं अपने कलाकारों के ऊपर, चाहे वो कलू जी रहे हों, चाहे कलम जी रहे हों या मुझे रही हों, सारे कलाकारों पर इतना विश्वास था मुझे कि सबने बहुत अच्छा किया है, तो इसलिए सर बड़ा अच्छा लग रहा है। बाकी तो कलाकार लोग बताएंगे, सारे हमारे जो स्टार हैं यहाँ पे वो सब बताएंगे। आइए सलीम जी। मल्लू जी के साथ मैंने अभी 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 भी काम किया, अभी आने वाली फिल्म का अनुभव था। लेकिन आज के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि ऐसी भावनात्मक इमोशनल फिल्म बन सकती है, हमारे निर्देशक मल्लू शास्त्री ने साबित किया कि साफ सुथरी फिल्म भी भोजपुरी में बनाई जा सकती है और वो दर्शकों के दिल को छू सकती है। अंत में फिल्म के अंत में मैं स्वीकार करता हूँ, मल्लू ने और मल्लू शास्त्री ने मिलकर मुझे रुला दिया था। मेरे से सख्त हृदय विलन को अगर रुला दिया तो मतलब कहीं ना कहीं तो कामयाब है। और इस फिल्म का हासिले जो मतलब सबसे ज़्यादा जो हासिले मैं मानूंगा वो ये है, इसमें एक नया एक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है प्रमोद शास्त्री, जिससे बहुत ही नेचुरल परफॉर्मेंस की है। मैं दर्शकों से अनुरोध करूँगा वो इस फिल्म को अपना प्यार दे ताकि ऐसी साफ सुथरी फिल्म में बने। आप महसूस करेंगे इस फिल्म में एक भी आइटम सॉन्ग नहीं है और जितनी भी लड़कियों ने महिलाओं ने काम किया है बहुत ही बेहतरीन काम किया है, बिना अंग प्रदर्शन के बहुत ही अच्छा काम किया है। भोजपुरी फिल्मों को माना जाता था कि बहुत ही वल्गर होती हैं, लेकिन आज मैं अपना ये नज़रिया बदल रहा हूँ और मैं कहूँगा, मल्लू को भी बोलूँगा और प्रमोद शास्त्री को भी, कैसी साफ सुथरी फिल्में बनाते रहे, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। धन्यवाद, मेरा साधुवाद। और ये हमारी बॉस है मतलब जी की मम्मी जी। और मम्मी जी आप बताइए, आपको कैसा लगा पिक्चर? बहुत अच्छी लगी, सभी का स्वागत है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आई एम हैप्पी। बाबा जी आप शास्त्री जी और उनकी टीम को बधाई देता हूँ कि उनकी फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला है, जो हम लोग 15 वर्षों से प्रयास करते थे कि हमारी फिल्में साफ सुथरी हो और एक समाज की आईना हो। तो प्रमोद जी ने वो साबित किया है कि समाज को आईना दिखाने का काम किया है, बहुत ही साफ सुथरी फिल्म बनाई है और हम आशा करते हैं कि और भी लोग अच्छी फिल्में बनाते हैं, लेकिन एक जैसे कि बताया कि यू सर्टिफिकेट मिलना है अपने आप में आज के माहौल में बहुत बड़ी बात है, तो मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, पूरी टीम को देता हूँ। बहुत बहुत मुस्कान चांद का निखिलल बाड़ हो, जन मार तो हर मीठ मुस्कान तू चांद का निखिलल बाड़ हो। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।